राज्य में कोविड वैक्सीन की कमी फिर सामने आ रही है। इसके लिए राज्य सरकार भी काफी चिंतित नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल इसका कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। मोबाइल पर डोज के लिए मैसेज तो आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन केंद्र जाकर लोग बैरंग लौट रहे हैं। दरअसल तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार चिंतित है और वो कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी जो झारखंड की है, जनसंख्या जो है वो वैक्सीनेट हो जाए, और इसी की तैयारी में केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन वैक्सीन की किल्लत इसमें आड़े आ जा रही है। आखिर ये दिक्कतें क्यों पैदा हुई और कब तक ये समस्या सुलझ सकती है, कब तक वैक्सीन आ सकता है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए। फिर हुई कोविड वैक्सीन की कमी, राज्य सरकार भी कमी से चिंतित। फिलहाल नहीं निकल रहा कोई समाधान। मोबाइल पर डोज के लिए आ रहे मैसेजेस, वैक्सीन केंद्र जाकर बैरंग लौट रहे लोग। तीसरी लहर के लिए भी विभाग चिंतित, सरकार तीसरी लहर की कर रही तैयारी। राज्य में वैक्सीन की चौतरफा कमी हो गई है। पहले कोविशील्ड की कमी से लोग जूझ रहे थे, अब तो कोवैक्सीन की कमी ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। राज्य सरकार इसे लेकर लगातार चिंतित है, लेकिन फिलहाल कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य कहते हैं कि वैक्सीन की न सिर्फ कमी हो रही है, बल्कि हम सभी का टीकाकरण भी नहीं कर पा रहे। कोविड वैक्सीन की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, लोगों में उत्साह बहुत अधिक बढ़ गया है। जैसे हमें एक विचार था, जो हमें आशंका थी कि कोविड वैक्सीन की शॉर्टेज हो सकती है, तो कोविड वैक्सीन की शॉर्टेज है, राज्य में भी है, देश भर में भी है। लगातार हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पर्याप्त कोविड वैक्सीन दी जाए। इधर कोरोना के तीसरे लहर की आशंका ने भी स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल रखा है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि अगर तीसरी लहर के बीच टीकाकरण प्रभावित होता है तो इससे परेशानी बढ़ जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने माना कि राज्य तीसरी लहर से निपटने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन कोई भी तैयारी अंतिम नहीं होती, इसमें लगातार बेहतर करने का प्रयास होता रहेगा। 50,000 टेस्ट में करीब 50-60 आदमी पॉजिटिव हो रहे हैं, जो बहुत कम है पूरे देश भर की तुलना में, तो एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन हम इस संकेत से रिलैक्स होकर के बैठने वाले नहीं हैं, हम लगातार तत्पर हैं, अपने को तैयार किए हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार के जो वेव की आशंका हो, उस आशंका को हम समाप्त कर सकें। वैक्सीन की चौतरफा कमी से ऐसा लग रहा है जिसे हमें और आपको कुछ दिनों तक मास्क को ही वैक्सीन समझना होगा। वैसे भी दो गज दूरी मास्क है जरूरी जैसे शब्दों को लोगों ने कंठस्थ कर लिया है। करण विशाल के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो एक तरफ तीसरी लहर आने की अटकलें लगाई जा रही है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी तो इस बार बच्चों को प्रभावित करेगी, लेकिन सवाल यह है कि इससे लिए यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप खुद को वैक्सीनेट कर ले, खुद को सुरक्षित कर ले पहले ही, तो आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर वैक्सीनेशन हो कैसे जबकि वैक्सीन मिल नहीं रहा है। तो ताजा स्थिति क्या है, हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल का और उनसे जानते कि आखिर फिलहाल झारखंड में वैक्सीनेशन किस स्टेज में है और कब तक इसकी स्थिति सुधर जाएगी। फिलहाल अजय, जो ब्रेक लगा है वो दोबारा शुरुआत कब हो जाएगी वैक्सीनेशन की, तेजी कब आएगी उसमें? देखिए पंकज, जो पूरा जो वैक्सीन जब से झारखंड को मिलना शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक झारखंड के कुल 75 लाख लोगों को आप कह सकते हैं कि कोविड-19 का टीका लगा है। जो आंकड़ा है स्वास्थ्य विभाग के पास कि पूरे राज्य की जो जनसंख्या है लगभग 3.25 करोड़ या फिर कुछ और ज्यादा मान लें 3.5 करोड़ भी मान लें, तो उस संख्या में से बच्चों को हटा दें, 18 से कम उम्र वाले लोगों को हटा दें, तो वो आंकड़ा आता है 2.25 करोड़ के आसपास। यानी कि जो वैक्सीनेशन की रफ्तार होनी चाहिए, 2.25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है और उसमें से अभी तक 75 लाख लोगों ने ही वैक्सीनेशन की टीका लिया है, यानी कि यह आंकड़ा 50% भी अब तक नहीं पहुंच पाया है। और यही चिंता राज्य सरकार को सता रही है, आम लोगों को सता रही है। आपको याद होगा पंकज कि कुछ महीने पहले तक टीका को लेकर लोगों में वो उत्साह नहीं था जो आज कल दिख रहा है, लिहाजा प्रधानमंत्री के स्तर पर भी इसे कोरोना टीका महोत्सव के रूप में
प्रचारित करने का संकेत प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों को दिया था कि लोगों में टीकाकरण को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं देखी जा रही है, लिहाजा क्यों ना ऐसा किया जाए कि टीका महोत्सव हम मनाए। और इसे लेकर, हालांकि ये ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी है, इसे लेकर भाजपा के तमाम नेताओं को भी ये जानकारी दी गई थी केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर कि आप अपने अपने राज्यों में जितने भी भाजपा के लीडर हैं कोरोना को टीका को लेकर टीका महोत्सव जैसा माहौल पैदा करें। अच्छी बात यह है कि लोगों ने टीकाकरण को लेकर जागरूकता दिखाई, चाहे कोशिश किसी की भी हो, लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि कोरोना का टीका ही नहीं लोगों को मिल रहा है। कई ऐसे लोग हैं, मैं खुद भी उसमें शामिल हूं, कि 11 अप्रैल को हमने कोविशील्ड का पहला डोज लिया था, उसके बाद से लगातार मैसेज आ रहे हैं लोगों को मोबाइल पर कि आपके दूसरे खुराक की मैच्योरिटी आ गई है, आप जाकर टीकाकरण के लिए टीकाकरण केंद्र जाकर टीका ले लें पंकज। लेकिन स्थिति जो बताई जा रही है कि अब अगला खेप 15 जुलाई को राज्य में आएगा, लगभग 10 लाख डोज, उसके बाद से फिर रफ्तार पकड़ेगी। तो पूरा का पूरा मामला यह है कि 2.25 करोड़ लोगों को में से कई ऐसे संख्या है, लगभग लाखों लोग, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट डोज का टीका नहीं लिया है, सेकेंड डोज की तो बात ही करनी बेकार है। तो पूरी स्थिति केंद्र पर निर्भर करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा डोज झारखंड को भेजे। आपने सुना कि अपर जो मुख्य सचिव है स्वास्थ्य विभाग के अरुण कुमार सिंह, उन्होंने लगातार पत्र लिखने की बात कही है, लगातार तगादे की बात कही है कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन डोज भेजें ताकि लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। आशंका इसलिए भी ज्यादा गहरी होती जा रही है पंकज, कि ईश्वर न करे यदि थर्ड वेव का प्रकोप झारखंड को झेलना पड़ा और तब तक हमने टीकाकरण पूरा नहीं किया तो स्थिति भयावह हो सकती है। ईश्वर न करे कि ऐसी स्थिति आए, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि तमाम लोगों का टीका लग जाए और सेकेंड डोज के जो इंतजार कर रहे हैं उनके पास भी टीका उपलब्ध हो जाए पंकज। बिल्कुल अजय, तो करीब करीब 1 लाख के आसपास जो है वो टीकाकरण ऑन एन एवरेज झारखंड में ये दर्ज किया जाता है, जिससे झारखंड सरकार तो कहती है कि हम 2.5 लाख तक ले आ सकते हैं लेकिन टीका है नहीं। एक समस्या जो बार बार जो आ रहा है वो मोबाइल में मैसेज को लेकर आता है। हम देखते हैं कई बार कि कोई टीका नहीं लेता है और उसके पास मैसेज आ जाता है, और कोई किस, जैसा कि आपने बताया कि आपके पास मैसेज आया कि आप टीका ले लें कि टीका है नहीं, तो इस तरह के मैसेजेस को लेकर भी बहुत सारे लोगों को परेशानियां होती है, उसको दूर करने के लिए भी क्या कोई कोशिश हो रही है? क्योंकि ऐसी समस्याएं कई बार आती है, लगातार फेसबुक लाइव में लोग पूछते हैं हमसे कि मैसेज आ गया है, मैंने तो टीका लिया नहीं। देख बिल्कुल पंकज, ये मैसेज लगातार लोगों के पास आ रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज का टीका ले लिया था और 60 डेज या फिर 45 डेज जो भी डॉक्टर बता रहे हैं, कोवैक्सीन का 45 डेज या फिर कोविशील्ड का 60 डेज, या फिर जो बीमार पड़ गए कोविशील्ड का टीका लेने के बाद, या फिर जिन्हें कोरोना हो गया फर्स्ट डोज का टीका लेने के बाद, उन्हें 3 महीने का गैप दिया जा रहा है। तो ये देखना होगा कि टीकाकरण जब तक सहूलियत के साथ लोगों को ना मिले, ऐसा ना हो कि खौफ पैदा हो जाए कि टीकाकरण के लिए जा रहे हैं टीका नहीं मिला है और कहीं बेरुखी लोगों में शामिल हो गया, तो ये और मुसीबत बढ़ाने वाली चीज होगी। इन सब के बीच निजी हॉस्पिटलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने यहाँ जो टीकाकरण होता है उनका, कोविशील्ड का या फिर कोवैक्सीन का, उसको लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाए और ऐसी स्थिति उत्पन्न कराए कि यदि सरकारी स्तर पर लोगों को टीका उपलब्ध न हो रहा हो तो कुछ हद तक इसकी भरपाई निजी हॉस्पिटल भी करें। लेकिन इन सब के बीच समन्वय बनाने की जरूरत है, राज्य सरकार को आगे आना होगा, एक मीटिंग करनी होगी निजी अस्पतालों के साथ, क्योंकि कई ऐसे निजी हॉस्पिटल हैं रांची में जिनके पास स्पुतनिक वाला भी टीका जो रशिया का बना हुआ है वो भी मौजूद है। इन सब के बीच जागरूकता यह भी होनी चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने कोविशील्ड का टीका लिया हो क्या वो कोवैक्सीन ले सकता है या नहीं, या फिर जिसने कोवैक्सीन ले रखा है उन्हें कोविशील्ड दिया जा सकता है कि नहीं। थोड़ी जागरूकता लोगों में होनी चाहिए, सरकारी स्तर पर बताया जाना चाहिए। लेकिन अभी स्थिति है कि अभी टीका राज्य के पास मौजूद नहीं है, 15 जुलाई के बाद जो नया खेप आएगा उसके बाद तमाम जिलों में भेजे जाएंगे टीका और उसके बाद कुछ स्थिति सुधरेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्रीय स्तर पर राज्य को भेजे जाने वाले टीका का जो खुराक है उसमें बढ़ोतरी होगी और तमाम लोगों को टीका लग पाएगा। इसी उम्मीद पर लोग वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं, कुछ लोगों को निराशा हो रही है, कुछ लोग टीका लेने में सफल हो रहे हैं पंकज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़े आप, और आपने एक वास्तु स्थिति यहाँ पर रखी कि किस तरीके से वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता आई है और अगर ऐसी ही निराशा उन्हें होती रही तो शायद हो सकता है जागरूकता में कमी आए और फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी राज्य सरकार के लिए अपने लोगों को वैक्सीनेट करवाने में, क्योंकि बहुत मुश्किल से जागरूकता लाई गई है, लोगों में जागरूक हुए हैं लोग वैक्सीन को लेकर और वैक्सीन ही नदारद है।
तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है, तो जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए, जल्द से जल्द टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच जाए, इसी का इंतजार है। और केंद्र सरकार पर लगातार इसको लेकर दबाव बने रहना चाहिए कि झारखंड में टीके जो उपलब्ध कराए जा रहे वो बहुत ही कम है, तुलनात्मक रूप से जितनी मांग उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। शुक्रिया अजय, हमारे साथ जुड़े आप।